प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया, परंतु आंकड़े क्या कहते हैं उनकी कंपनियों के, घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन मोदी सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन कम हो गया। यूपीए एक और यूपीए दो कांग्रेस के कार्यकाल में घरेलू कच्चा तेल देश की कुल खपत का 23.4% उत्पादन था, 23.5% कुल खपत का कच्चा तेल हम अपने देश में पैदा करते थे। मोदी जी जब से आए हैं ये अब 15.5% 15.8% हो गया है। तो यानी अगर हम 100 लीटर तेल में से अगर 23.5 लीटर खुद घर में पैदा करते थे तो अब ये 15.5 लीटर हो गया है। ये मोदी जी की वास्तविकता है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी एक प्रॉपर चार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरीफाइड और सर्टिफाइड, और उसमें हर साल कितना उत्पादन हो रहा है वो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। ये मोदी सरकार के आंकड़े, ये हमारे नहीं। सच्चाई ये है कि साल 2020 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 18 साल में सबसे कम है। क्या मोदी जी जवाब देंगे?